उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना कस्बा एका में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते अलग अलग जगह पर आधा किलोमीटर की दूरी पर दो टेंट हाउस में लगी भीषण आग, जिससे लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आपको बता दें कि बीती रात करीबन 10 बजे मोनो टेंट हाउस के स्वामी मोनोपुत्र राम सेवक निवासी नगला सामंती की दुकान महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के समीप टेंट हाउस था। रोजाना की तरह शाम 8 बजे अपनी दुकान बंद कर अपने घर निकल गए। टेंट स्वामी मोनू ने जानकारी देते हुए बताया कि करीबन 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आधा किलोमीटर की दूरी पर रामविलास यादव की दुकान कृष्ण टेंट हाउस एसपीजी रोड कस्बा एका में दूसरी जगह लगी भीषण आग से करीबन 30 सोफा सेट, 200 कुर्सियां एवं टेंट का सारा सामान आग में जलकर खाक हो गए। वहीं कृष्ण टेंट के स्वामी रामविलास यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि करीबन 7 लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर थाना अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की सारी जानकारी दी। वहीं एसडीएम लेखपाल तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से की बात, घटना संदिग्ध बताई जा रही है। दोनों ही टेंट हाउस के स्वामियों ने बताया कि हमारे टेंट हाउस में किसी तरह की लाइट भी नहीं है। आखिर एका कस्बे में आधा किलोमीटर की दूरी पर एक ही रात में दोनों जगह लगी भीषण आग से कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर अलग अलग स्थानों पर एक ही रात में कैसे आग लगी, संदिग्ध बताया जा रहा है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सौरा सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। तुम्हारा नाम क्या है? रामविलास। रामविलास, कहाँ रहते हो? बाहनपुर। बाहनपुर, टेंट की दुकान कब से है? दो महीने हो गए। दो महीने से। कुछ पता है आग किस तरीके से लगी, कोई कारण? हमें कुछ नहीं। अच्छा, यानी अज्ञात कारणों से। अज्ञात कारण। तो आपको कब पता चली? सुबह 5 बजे। अच्छा, बताया था। ठीक।